देखिए आज का हमारा टॉपिक है रेडियोग्राफिक इमेज। किसी भी रेडियो ग्राफिक इमेज होती है, इस रेडियोग्राफिक इमेज की जो क्लैरिटी होती है, ये क्लैरिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। कोई भी रेडियोग्राफिक इमेज होती है, इसकी जो क्लैरिटी मतलब इसकी कितनी क्लियर होगी, कितनी साफ होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो होता है कॉन्ट्रास्ट और दूसरा होता है इमेज क्वालिटी। कॉन्ट्रास्ट और इमेज क्वालिटी, आज हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये कॉन्ट्रास्ट है, ये भी तीन चीजों पर डिपेंड करता है। तीन चीजों पर, पहला तो होता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, दूसरा होता है फिल्म कॉन्ट्रास्ट जिसको हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था, और तीसरा होता है इसमें फॉग एंड स्केटर। तीसरा क्या, इसमें फॉग एंड स्केटर। तो इमेज क्लैरिटी होती है उसको दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। किस किस पर डिपेंड करती है, कॉन्ट्रास्ट पे और इमेज क्वालिटी पर। कॉन्ट्रास्ट फिर आगे तीन चैप्टर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने फिल्म कॉन्ट्रास्ट के टाइम पे दे दिया था, फिल्म कॉन्ट्रास्ट इसको लास्ट चैप्टर में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। फिल्म कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था आपको, शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर डिपेंड करेगा, फिल्म प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, चार फैक्टर थे हमने बताए थे। फॉग एंड स्केटर भी देखेंगे। आज इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है फिल्म कॉन्ट्रास्ट। ये फिल्म कॉन्ट्रास्ट आगे चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये फिल्म कॉन्ट्रास्ट आगे किस पर करता है, चार फैक्टर डिपेंड करता है। सबसे पहला इसमें होता है थिकनेस डिफरेंस, दूसरा होता है डेंसिटी डिफरेंस, और इसमें तीसरा होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंस। और चौथा होता है इसमें रेडिएशन क्वालिटी, चौथा होता है रेडिएशन क्वालिटी। इस क्लास में, आज की क्लास में हम थिकनेस डिफरेंस, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट वाली स्टडी करेंगे। इसमें थिकनेस डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस और जो जो इसके जो एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है, इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और कल की क्लास में हम जो रेडिएशन क्वालिटी, फिल्म कॉन्ट्रास्ट, फॉग एंड स्केटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में इमेज क्वालिटी को हम डिटेल से करेंगे। तो तीन क्लास होनी है, तो आज की क्लास में हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर आकर यहाँ तक का पोर्शन हम इसको कवर करेंगे, यहाँ तक इसका पोर्शन कवर करेंगे। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट चार पार्ट होते हैं, ये बड़ा पार्ट है, इसलिए हम कल की क्लास में इसको लेंगे। आज की क्लास में हम थिकनेस डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस और एटॉमिक नंबर डिफरेंस, इन तीन टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट मैंने आपको बताया था, किसी रेडियोग्राफ पर, जैसे रेडियोग्राफ है, इस पर दो पास पास स्थित एरियाज है, इनके मध्य डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है वो डेंसिटी डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डेंसिटी डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ये दो पास पास के एरिया में कितनी ब्लैकनेस में कितना अंतर है, ये क्या कहलाएगा, इसका कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा। ये कॉन्ट्रास्ट होता है, ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये कॉन्ट्रास्ट किस पर डिपेंड करता है, तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, दूसरा है फिल्म कॉन्ट्रास्ट और तीसरा है फॉग एंड स्केटर। तीसरा कौन सा है, फॉग एंड स्केटर। अब आज के टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। ये सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट आगे तीन चैप्टर पर, तीन चार फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है थिकनेस डिफरेंस, दूसरा है डेंसिटी डिफरेंस, तीसरा है एटॉमिक नंबर डिफरेंस और चौथा है रेडिएशन क्वालिटी। चौथा कौन सा है, रेडिएशन क्वालिटी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले थिकनेस डिफरेंस पर सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कैसे किस तरह से निर्भर करेगा। और उससे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। देखिए ये कोई एक्सरे बीम है, ये कोई एक्सरे बीम है, ये मान लिया ये होमोजेनियस है, इसके सभी पोर्शन में इसकी जो इंटेंसिटी है वो एक समान है, इसकी इंटेंसिटी क्या एक समान है, बीम की क्वालिटी भी क्या एक समान है। ये इसके बीच में कोई पेशेंट है,
तो पेशेंट होता है वो अलग अलग एनाटॉमिक बना होता है, मान लो ये बोन, फेट और सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू बना हुआ है, तो इससे तो ये क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, बोन होगी वो अधिक एक्सरेज ग्रो होगी, तो उसके पार कुछ ही एक्सरेज आएगी, जो फेट है वो फेट थोड़ा बोन से तो क्या होगी कम एक्सरेज रुकेंगे, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा एक्सरेज होंगी, यानी इसके पार कितनी होंगी बोन की तुलना में ज्यादा एक्सरेज होंगी, और सॉफ्ट टिश्यूज है ये क्या होंगे ये तो बहुत ही कम एक्सरेज रोकेंगी, तो यानी मैक्सिमम एक्सरेज पार आ जाएगी। तो जो आपकी बीम एक समान थी, लगभग हमने एक समान माना था, उसमें कितना डिफरेंस आ गया है, उसकी इंटेंसिटी देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर अगर हम अपने देखें इंटेंसिटी ऑफ बोन आई बी, इंटेंसिटी ऑफ फेट आई एफ और इंटेंसिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एल, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी होगी, सॉफ्ट टिश्यू की, फिर फेट की, फिर बोन की। तो ये डेंसिटी में जो वेरिएशन आ गया, यानी किसी सब्जेक्ट के कारण एक्सरे बीम की इंटेंसिटी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो गया, ये कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो गया, ये जो जो कॉन्ट्रास्ट किसने एक्सरे बीम में, यही एक्सरे फिल्म पर जाकर क्या होगा, एक्सरे बीम जाएगी यहाँ पे ज्यादा फोटोन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगी ज्यादा ब्लैक होगा, कम ब्लैक होगा, और भी कम ब्लैक होगा, यानी एक्सरे फिल्म के पास पास के जो एरियाज है, जो नियर नेबरस एरिया है, उनमें क्या हो गया, डेंसिटी डिफरेंस हो गया, कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो गया, यानी इस सब्जेक्ट के कारण इस बीम के अंदर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो गया। तो किसी सब्जेक्ट के कारण किसी एक्सरे बीम में कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ये सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट किस कारण से होता है, ये सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट पेशेंट के अंदर एक्सरे बीम के डिफरेंशियल अटेन्यूशन के कारण होता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग अमाउंट में जो अटेन्यूशन होता है, जो एक्सरे बीम का एब्जॉर्प्शन होता है, ये उसके कारण से डिफरेंशियल अटेन्यूशन के कारण सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है। अब सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, सबसे पहला है थिकनेस डिफरेंस, हम ये देख लेते हैं थिकनेस डिफरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक ही थिकनेस के, एक ही पदार्थ के दो अलग अलग मोटाई के ब्लॉक है, इनकी थिकनेस क्या है अलग अलग है, इसकी इस पर हम एक समान एक्सरे बीम जिसकी इंटेंसिटी आई हम डाल दें, एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, एक स्मॉल है और दूसरा लार्ज है, जिसकी थिकनेस एक इस थिकनेस स्मॉल छोटी है, दूसरी थिकनेस क्या लार्ज है, अलग अलग है, पदार्थ एक ही, मान लो दोनों लकड़ी के बने हुए, वुड के बने हुए, या कोई दोनों सॉफ्ट टिश्यूज के हैं, लेकिन थिकनेस में अंदर आ गया, तो इसके कारण से ये जो स्मॉल पार्ट है, इसके कारण जो बाहर इंटेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी आईएस, वो क्या कहलाएगी आईएस, ये स्मॉल जो थिकनेस का पार्ट है ये कम एक्सरेज को रोकेगा, ज्यादा एक्सरेज बाहर आएंगे, इसको क्या कहते हैं आईएस, और ये जो मोटा है इससे क्या होगी रिलेटिवली ज्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब होगी, रिलेटिवली क्या होगी ज्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब होगी, इससे निकलने वाली इंटेंसिटी को हम आई एल से देते हैं, इनसे निकलने वाली इंटेंसिटी को क्या कहते हैं आई एल देते हैं, तो पतले ब्लॉक से तो कम एक्सरे एब्जॉर्ब होंगी, मोटे ब्लॉक से ज्यादा एक्सरे एब्जॉर्ब होंगी, जबकि दोनों क्या एक ही पदार्थ की बनी, तो इनकी जो थिकनेस के कारण इनमें जो डिफरेंस हो गया वो क्या कहलाता है थिकनेस के कारण हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन, यहाँ पे आई तो क्या है इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम, आई एस क्या है जो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू स्मॉल पार्ट स्मॉल जो ब्लॉक है से, और यहाँ पे इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू लार्ज ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक से जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है इससे होगी, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होगा वो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होगा रे, वो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट होगा आई एस अपॉन आई एल, स्मॉल ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी अपॉन लार्ज ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक्सरे बीम की इंटेंसिटी होगा। अगर मान लो दो ब्लॉक ऐसे हैं, ये दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए लेकिन एक समान है, इसके अंदर कोई एयर कैविटी प्रोड्यूस होगी, इसमें क्या होगी एयर कैविटी प्रोड्यूस होगी, तो ये एयर कैविटी क्या कहती है, ये थिकनेस में कमी को इंडिकेट करती है, किसको कहती है थिकनेस में कमी को, क्यों आपने एक्सरे बीम डाली इस पार्ट से एक समान एक्सरे बीम एब्जॉर्ब होगी, लेकिन एयर से तो लगभग कोई बीम एब्जॉर्ब भी नहीं होती है, यानी आप इसको क्या कर सकते हो थिकनेस में कमी को ही आप मान सकते हो। तो कहीं पर कोई गैस फिल्ड कैविटी होती है तो वो कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है, वो जो थिकनेस डिफरेंस जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है, गैस फिल्ड कैविटी क्या कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, थिकनेस डिफरेंस जैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है, क्यों आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो कि ये कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा या फिर ये ज्यादा है, क्योंकि ये कोई एब्जॉर्ब नहीं करती है, गैस बहुत नगण्य नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये किस कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है थिकनेस डिफरेंस जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है आई स्मॉल अपॉन आई लार्ज हो जाएगा, ओके। यही कारण है कि आप जैसे वेंट्रिकुलोग्राफी करते हो उसके अंदर हम एयर इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स में, तो ब्रेन वेंट्रिकल्स अपने को दिखाई दे जाते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एयर होती है वो क्या करती है
वो थिकनेस डिफरेंस ही उत्पन्न करती है। दूसरा है डेंसिटी डिफरेंस, दूसरा कौन सा इसको सब्जेक्ट मतलब प्रोवाइड करने वाला पार्ट कौन सा है, डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस देखो, मान लो देखो अलग अलग जो क्या नाम, जो अलग अलग जो डेंसिटी के मटेरियल है, हाई डेंसिटी मटेरियल होगा वो ज्यादा एक्सेल बीम को टेनमेट करेगा, लो डेंसिटी मटेरियल होगा वो क्या करेगा कम करेगा, यानी इसकी डेंसिटी के कारण भी सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो जाएगी। और अपनी बॉडी है जो जो बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी टिश्यू के अंदर जो जो डिफरेंस जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होने का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होता है। मेन कारण क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होता है। मान लो आपने दो ब्लॉक ले रखे, एक समान थिकनेस के ले रखे, एक में आपने आइस भर रखी है और दूसरे में वाटर भर रखा है। आपको पता है जो इनकी डेंसिटी, अगर आप देखो इनकी डेंसिटी आप देखो तो जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, 9% ज्यादा डेंस होता है वाटर किससे, आइस से। देखो यहाँ पे आइस ये भी पानी का बना है, वाटर है लिक्विड है, ये भी वाटर है, आइस भी किसकी नहीं होती है, वाटर की होती है। अब अगर आप इस पर एक्सरेज डालोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होगा, क्या होगा, क्यों होगा, दोनों एक ही पदार्थ के सेम थिकनेस सेम सब कुछ सेम है इनकी, लेकिन वाटर होगा वो ज्यादा एक्सरे 9% ज्यादा एक्सरे अटेन्यूएट करेगा, कितना करेगा 9% ज्यादा एक्सरे अटेन्यूएट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है 9% ज्यादा, इसकी डेंसिटी कितनी कितनी है 9% मोर अटेन्यूएशन, ये 9% ज्यादा एक्सरे को प्राइमरी बीम से हटा लेगा। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण भी क्या होता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है। डेंसिटी डिफरेंस के कारण भी क्या होता है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है। और अपनी बॉडी में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ये होता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करने का, क्योंकि हमारी डेंसिटी के अंदर अलग अलग डेंसिटी के खूब सारे टिश्यूज मटेरियल बोन वगैरह खूब सारे उपस्थित होते हैं, उसके कारण से ये होता है। तीसरा है एटॉमिक नंबर डिफरेंस, इसमें तीसरा फैक्टर कौन सा है, तीसरा फैक्टर है एटॉमिक नंबर डिफरेंस, एटॉमिक नंबर डिफरेंस। ये किस तरह से सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट को जो मतलब प्रभावित करता है, देखो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट किस कारण से होता है, अलग अलग बॉडी टिश्यू में जो रिलेटिव अटेन्यूएशन होता है, एक चीज मैं बार बार एक वर्ड काम ले रहा हूँ, अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या होता है, एक चीज आपको थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बताता हूँ। देखो ये कोई ब्लॉक है, इस पर आपने कोई एक्सरे बीम डाली, इस पर क्या डाली, एक्सरे बीम डाली, ये एक्सरे बीम है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सरे बीम, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सरे बीम। अब ये एक्सरे बीम किन्हीं इफेक्ट, जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो इफेक्ट जो क्या होते हैं, जो कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह जो ये वगैरह कुछ इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, पेयर प्रोडक्शन, कई इफेक्ट होते हैं, तो इन इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये एक्सरे बीम या तो क्या होगी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, या क्या होती है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, या क्या होती है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और बाकी जो इससे इफेक्ट नहीं होता वो फोटोन क्या होते हैं सीधे बाहर निकल जाते हैं। तो वो एक्सरे फोटोन जो या तो एब्जॉर्ब हो जाए या अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर उधर निकल जाते हैं, मान लो वापस इधर चला गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अटेन्यूएशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन में दो इफेक्ट मेनली होते हैं, कौन से, एक तो एब्जॉर्प्शन और दूसरा स्केटरिंग, जो इधर अपनी डायरेक्शन चेंज के लिए क्या कहलाता है, स्केटरिंग। तो अटेन्यूएशन मेनली दो इफेक्ट के कारण होता है, किस कारण होता है, अब्जॉर्ब फोटोन की एब्जॉर्प्शन के कारण और स्केटरिंग के कारण। तो प्राइमरी बीम से किसी फोटोन का अलग हो जाना, रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, अटेन्यूएशन कहलाता है, क्या कहलाता है, अटेन्यूएशन कहलाता है। और इसी के कारण तो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होगा, देखो आपने खूब सारी एक्सरे बीम डाली थी और दो फोटोन साइड में हो गई, तो यही तो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करेगा। दूसरा दूसरे टिश्यू के अंदर मान लो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, सारे फोटोन पार निकल रहे थे इस तरह से, तो इससे क्या हो गया, दोनों टिश्यू के अंदर डिफरेंस उत्पन्न हो गया। तो अटेन्यूएशन के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस उत्पन्न होता है। तो तीसरा है एटॉमिक नंबर डिफरेंस, बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है वो क्या होता है, एक्सरे बीम के अटेन्यूएशन के कारण ही उत्पन्न होता है, एक्सरे रिलेटिव अटेन्यूएशन होता है उसके कारण होता है। और डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होती है, हम जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी लेते हैं, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये अटेन्यूएशन मेनली किसके कारण होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कारण, किसके कारण होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण होता है। हाई मान लो आपका हाई एटोमिक नंबर का कोई सब्सटेंस अपनी बॉडी में उपस्थित है और उस पर आप लो केवीपी आप एक्सरे काम रिलेटिव थोड़ी लो केवीपी ज्यादा भी नहीं आप ले रहे हो एक्सरे बीम जो उसके के एज एब्जॉर्प्शन के पास में है वो काम में ले रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अटेन्यूएशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और आपका जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है। अब देखिए मैं आपको कुछ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, कुछ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता रहा हूं जो बोन
फैट और मसल का है। ये क्या है, इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। मान ला कि बोन के अंदर अलग अलग एटॉमिक नंबर के खूब सारे जो मटेरियल है, जैसे इसमें कैल्शियम भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, तो उनका जो इफेक्टिव है 13.8 कितना होता है 13, मसल का 7.4 होता है और फैट का होता है 5.9 का होता है 5.9। देखो सबसे ज्यादा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है किसका, बोन का। इसके कारण बोन होती है वो ज्यादा एक्सरे अटेन्यूएट करती है, अटेन्यूएट मोर एक्सरेज, ये ज्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब कर रही है। इनका दोनों का बोन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन अगर आप आपस में इनका देखो तो इसका 5.6 हो गया 7.4, यानी इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंस में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंस में क्या होता है, बहुत थोड़ा अंतर होता है, लेकिन बोन का इन दोनों से ज्यादा है। बोन का क्या, इन दोनों से ज्यादा है। तभी आप देखा देखते हो कि एक्सरे करते हो बोन क्या होती है, बोन और सॉफ्ट टिश्यू या पेट है वो सारे एकदम से अलग अलग दिखने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है बोलते कितने से, लेकिन फैट और मसल्स को आप अलग अलग करके देखना हमारे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लिटिल डिफरेंस इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस होता है, और लिटिल डिफरेंस होता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो इनका जो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो डिफरेंस होगा वो लिटिल होगा, लिटिल डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन, जो दूसरा इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट होता है आगे देखेंगे उसको, कॉम्पटन इफेक्ट के कारण इसके कारण इनके इफेक्टिव एटॉमिक डिफरेंस में बहुत कम अंतर है। इसके कारण जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट के कारण जो एक कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है उसमें भी क्या होगा, बहुत ही कम अंतर होगा, उसके कारण क्या होगा, बहुत ही कम अंतर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें लो केवीपी एक्सरे काम में लेनी होगी, बहुत ज्यादा कम केवीपी की, लो एक्सरे केवीपी एक्सरेज काम में लेनी होगी। लो केवीपी की एक्सरे होती है वो क्या कर सकती है, फैट और मसल्स में क्या कर सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर सकती है। वो लो केवीपी कितनी होती है, 13 केवीपी, लगभग 30 किलो केवीपी की एक्सरे डालोगे तो ये 30 केवीपी की एक्सरे क्या होगा, ये इस रेंज में 5.2 7.4 की रेंज में क्या करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करेगी। तो इस लो केवीपी एक्सरे से क्या कर सकते हैं, हम फैट और मसल्स में मैक्सिमम डिफरेंस उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे मेमोग्राफी या इसी को हम सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी भी कह देते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी, जो मेमोग्राफी या सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमें लो केवीपी एक्सरे की रिक्वायर, लो केवीपी एक्सरे, इसमें लो केवीपी एक्सरे की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि मेमोग्राफी में हम ब्रेस्ट इमेजिंग करते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत ही कम डेंसिटी डिफरेंस उनके अंदर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो लो केवीपी से क्या होगा, प्रोड्यूस मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट, इससे क्या होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट से उत्पन्न होगा, किसमें, ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। तो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर हम लो केवीपी एक्सरे क्यों काम में लेते हैं, इसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि बोन होती है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फैट और मसल्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इनमें डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए हमें लो केवीपी चाहिए होती है, और लो केवीपी 30 केवीपी के आसपास में, इस केवीपी क्या, इसमें इस 30 केवीपी के आसपास से क्या, इससे क्या होगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो जाएगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी में हम आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करते हैं, बॉडी में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर बेरियम और आयोडीन जैसे मटेरियल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे बेरियम हो गया, आयोडीन हो गया, बेरियम और आयोडीन हो गया। इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर आयोडीन का कितना है, 53, और बेरियम का कितना है, 56 है, जो बोन के और तो बोन के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से बहुत ज्यादा है। इस कारण से क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोन और सॉफ्ट टिश्यूज के इनका जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, और इस कारण से क्या होता है, प्रोड्यूस मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस कारण से, हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, इस कारण से। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूस मोर कॉन्ट्रास्ट। तो हम बॉडी में आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम इसीलिए इसे इसके अंदर उत्पन्न
करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि इसके से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाएंगे। देखो आप जैसे जो जैसे मान लो आपने बेरियम कर रहे हो, आपने बेरियम लिया, आपने बेरियम मील कर रहे हो या बेरियम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपने जैसे अपने जीआईटी के अंदर आप जैसे ही इसके अंदर आप बेरियम प्रोड्यूस करते हो, तो ये बेरियम क्या होगा, ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में क्या होगा, इस रेंज के अंदर ये मैक्सिमम एक्सरे का एब्जॉर्प्शन करेगा और अपना जो जीआईटी कॉलम है वो ऐसे का ऐसा एक्सरे में विजुलाइज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ये मैक्सिमम क्या करेगा, एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे हम आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको, जैसे आयो हेक्सोल हम उसको किसी स्टडी के लिए हम अपने इंट्रावीनस के इंजेक्ट करते हैं, उससे क्या होगा, जहां जहां पर वो कॉन्ट्रास्ट होगा वहां पर ज्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब होगी, तो वो वाला जो बॉडी पार्ट होगा वो अपने रिलेटेड पास वाले जो एरियाज है उनसे ज्यादा एक्सरे एब्जॉर्ब करेगा, तो वो आपको विजुलाइज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट के ये तीन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए।